प्योर रोलिंग में टोटल एनर्जी जब कोई बॉडी प्योर रोल करती है, सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन का सम है। ट्रांसलेशन की एनर्जी क्या है, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर है, और प्योर रोटेशन की एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। बॉडी कोई भी हो सकती है, तो इन जनरल आई की जगह क्या पुट कर दिया, एम के स्क्वायर। और जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग में है तो ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है, आज हमने किया वी सेंटर ऑफ मासेज आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा, वी बाय आर, ओमेगा की जगह वी बाय आर, इसको स्क्वेयरिंग करके ये टर्म आएगी, यहां से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बना, वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अपने फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो कि इन केस ऑफ रोलिंग लिखो, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग टोटल एनर्जी इसके इक्वल है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे नोट करो, बहुत बार यूज होएगा ये। तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग टोटल जो एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल में गिवन है कि मान लो एक सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूले में सॉलिड स्फीयर में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या पुट करेंगे, 2/5, अगर डिस्क है तो 1/2 आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर ये कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा। तो इसको न्यूमेरिकल में लगा के देखते हैं, ये देखो क्या न्यूमेरिकल है, इसको देखो।